हम नया चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्योमेट्री शुरू करने जा रहे हैं। तो चूंकि ये नया चैप्टर है इसलिए सभी बच्चे ध्यान से इसके फंडामेंटल्स और नियम इसके जो है उसको देखेंगे। तो सभी छात्र देखें, अब हमको सबसे पहले ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है, इसका फार्मूला देखना है। तो मान लेते हैं यहाँ पर दो बिंदु दिए हुए हैं P एंड Q। P के कोऑर्डिनेट्स हैं मान लो x1, y1 और Q के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। तो इनका डिस्टेंस का फार्मूला आपको दिया हुआ है PQ, यह P और Q के बीच का डिस्टेंस है। इसका फार्मूला हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला को नोट कर लें, तो इससे संबंधित हम क्वेश्चन देखेंगे। अब हम आते हैं प्रश्नावली 7.1। इसमें हमको ये दो बिंदुओं के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए इनका डिस्टेंस ज्ञात करना है। तो हम क्वेश्चन फर्स्ट करते हैं। तो इसमें P के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 2, 3 तथा Q के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 4, 1। के बीच की दूरी PQ इक्वल टू क्या फार्मूला लगेगा? x2 माइनस x1 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसको सिंपल कर लीजिए, 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 4 प्लस 4, तो ये हो जाएगा आपका रूट 8। तो अभी हमने जो डिस्टेंस का फॉर्मूला बताया इसको नोट कर ले और इसी पे आपको बेस पे एक क्वेश्चन करना है। इसी प्रकार से आपको फर्स्ट का सेकंड और थर्ड करने की कोशिश करें, बिल्कुल सिमिलर है, बहुत इजीली हो जाएगा और अगर दिक्कत जाए तो हमसे पूछना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमको यहाँ पर दो बिंदुओं के ये दो बिंदु के मान दिए, कोऑर्डिनेट दिए हुए, इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो हम यहाँ देखते हैं बिंदु 0, 0 तथा 36, 15 के बीच की दूरी। तो इसके लिए क्या कौन सा फार्मूला लगाएंगे? रूट 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर, यह आ जाएगा आपका 36 स्क्वायर 15 स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करके आप रूट निकाल लेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। इसी के बाद इसमें लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 7.2 में दो शहरों के बीच की दूरी, तो दो शहर कैसे दिए? एक शहर बी एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व है। तो एक शहर बी जो है ए शहर से 36 किलोमीटर पूर्व गए, उसके बाद 15 किलोमीटर उत्तर की तरफ गए। तो पहले वो पूर्व की तरफ गया 36 किलोमीटर, उसके बाद 15 किलोमीटर उत्तर की तरफ गया। तो हमको ए और बी पॉइंट के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो इसमें आप पाइथागोरस लगा लेंगे, प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है, आपका हाइपोटेनस।
36 स्क्वायर इंटू 15 स्क्वायर, ये दोनों आंसर क्वेश्चन सेम है, ठीक है। तो इनका 36 स्क्वायर और प्लस 15 स्क्वायर को ऐड करेंगे और फिर इसकी रूट वैल्यू निकालेंगे, तो ये दोनों एक ही बात है, चाहे पाइथागोरस करें चाहे इसको करें, ये दोनों क्वेश्चन सेम है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमको इसमें तीन बिंदु दिए हुए हैं, हमको ये दिखाना है कि क्या ये समरेखी है। तो पहला पॉइंट है 1, 5, तो x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 5 है, तो आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, इसकी वैल्यू कितनी है 1, 5 या 1, 5 है, क्लियर। इसके बाद सेकंड पॉइंट है 2, 3, तो सेकंड पॉइंट में हम देखते हैं 1, 2, 3, यहां पर 2, 3 आप देखते हैं, तो ये 2, 3 पॉइंट हो गया, ठीक है। दोनों पॉइंट से हमने एक रेखा को ड्रा किया, तो यह रेखा आपकी इन दो बिंदुओं से होकर जा रही है। हमने क्या किया, बिंदु 1, 5 तथा 2, 3 से होकर जाने वाली सरल रेखा, इसको हमने खींचा। अब हम देखते हैं, यह पूछा है कि क्या तीसरा पॉइंट इसी रेखा पर है क्या, तो तीसरा पॉइंट कहां पर है, -2, -2 कहां पर है, यहां पर, और -11। तो आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 में -2 यहां पर है, तो यह बिंदु जो है इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, -2 एंड -11। तो यह बिंदु इस रेखा पर नहीं है, इसका मतलब क्या होता है, ग्राफ से स्पष्ट है कि -2, -11 रेखा पर नहीं है, आता है तीनों बिंदु समरेख नहीं है, क्लियर। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जांच कीजिए क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज की कंडीशन क्या होती है कि उसकी दो रेखाएं समद्विबाहु त्रिभुज, क्या होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाओं की लंबाई समान हो, क्लियर। तो हम देखते हैं कि पॉइंट जो दिए 5, -2, तो 5, -2 कहां पर आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, और -2 यहां पर आएगा, ये वाला पॉइंट आपका है 5, -2। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है 6, 4, तो हम देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, ये वाला पॉइंट आपका 6, 4 हो गया। तीसरा पॉइंट दिया हुआ है 7, -2, तो आपका 1, 2, 3, 4,
तो सबसे पहला पॉइंट था आपका 5-2, 5-1, 2, 3, 4, 5, 5-2 जे वाला पॉइंट था। और दूसरा पॉइंट 7-2, ए वाला पॉइंट हो गया। क्लियर? इन दो ये है आपका 5-2 और दूसरा पॉइंट है 7-2। इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हम सरल रेखा ड्रा करेंगे, यह त्रिभुज बनता है। तो इस त्रिभुज का नाम दे दे रहे हैं ए बी सी। हम क्या करेंगे, ए बी और ए सी फाइंड करेंगे। ए बी, ए बी कितना हो जाएगा आपका, फाइव माइनस सिक्स का होल स्क्वायर। दूसरा क्या है, फोर माइनस टू माइनस फोर का होल स्क्वायर। बी सी कितना होगा, इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा आपका, माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस सिक्स का होल स्क्वायर। ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1+36 इक्वल टू √37। अब हम चेक करेंगे ए सी, ए सी कितना होगा आपका, 4-6 का होल स्क्वायर प्लस -2 -4 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा आपका -2 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 4+36, इसकी वैल्यू आ गई 40, √40। क्लियर? अब हम इसी प्रकार से बी सी फाइंड करेंगे। तो बी सी फाइंड करने पर हम देखते हैं कितना है इसकी वैल्यू, सेवन माइनस फाइव का होल स्क्वायर प्लस -2 -2 का होल स्क्वायर। तो यह वैल्यू आ रही आपकी 2² + 0, 2 वैल्यू आ रही। तो हम देखते हैं यहां पर तीनों मान बराबर नहीं है, इसका मतलब यह है समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। क्लियर? हमको इसमें चार पॉइंट दिए हुए हैं, हमको ये दिखाना है कि क्या यह वर्ग है। तो आप इन चारों बिंदुओं को मिला दीजिए, तो चार ए के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं, यहां देखिए ए के कोऑर्डिनेट्स, ए के कोऑर्डिनेट्स कितना दिए हुए हैं, एक्स एक्सिस में 3 और वाई की वाई पर है इसका 4। तो इसका ए का कोऑर्डिनेट्स है 3, 4। अब बी को, बी पॉइंट देखिए, बी पॉइंट कहां पर है, 6, 7। तो बी के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके 6, 7। सी कोऑर्डिनेट्स, सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है यहां पर, 9, 4। और डी के कोऑर्डिनेट्स हैं 6, 1। यदि एबीसीडी हमको चेक करना है कि क्या वर्ग है, सिद्ध क्या करना है, हमको क्या चेक करना है, एबीसीडी एक वर्ग है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एबी AC और AD,
इनकी लेंथ निकालेंगे, और अगर लेंथ तीनों चारों बराबर है तो वह वर्ग होगा, और यदि बराबर नहीं है तो वर्ग नहीं होगा। तो आप ए बी कैसे निकालेंगे? आप ए बी निकाले 6 - 3 का होल स्क्वायर, इन दोनों का डिस्टेंस। दूसरा क्या है? +7 - 4 का होल स्क्वायर। ए सी कितना होगा? 9 - 3 होल स्क्वायर +4 - 4 का होल स्क्वायर। सी डी, सी डी कितना होगा? 9 - 6 होल स्क्वायर +4 - 1 का होल स्क्वायर। ये आपका सी डी हो गया। इसके बाद ए डी, ए डी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 6 - 3 का होल स्क्वायर +1 - 4 का होल स्क्वायर। अब इनकी आप सभी को सॉल्व करके इनकी मान निकाल लेंगे, और यदि ए बी इक्वल ए सी, ए बी यहां पर ए सी नहीं बी सी निकालना पड़ेगा, बीसी निकालेंगे। तो बीसी कितना हो जाएगा? ये निकाल लें, अगर ए बी इक्वल बी सी इक्वल डी सी इक्वल ए सी, यदि चारों मान बराबर आते हैं तो ए बी सी डी एक वर्ग है, और यदि चारों मान बराबर नहीं आते हैं तो वह वर्ग नहीं होगा। क्लियर?